Hello students, hope you all are doing well. In the previous video we have seen about go and back protocol in the pipeline protocol. Now we will see about pipeline protocol in that selective repeat and TCP segment structure. So now let's first see about selective repeat protocol. So in selective repeat protocol, a sender can have up to n unacknowledged packet in the pipeline. Means sender के पास pipeline के अंदर जो भी unacknowledged packets है, means जिसका उसको acknowledgement receiver side से मिला नहीं है, वो pipeline में होगे, ठीक है? वो अप टू एन नंबर, किस कितने भी नंबर के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, चार हो सकते हैं या फिर पांच हो सकते हैं. सो रिसीवर सेंड्स इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट पैक फॉर ईच पैकेट. यानी कि रिसीवर क्या करेगा, अभी इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड करेगा. गो एंड बैक प्रोटोकॉल में क्या होता था कि वो एक साथ अभी जितने भी वो पैकेट का रिसीव करता था उसका एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेजता था. अगर उसको पैकेट रिसीव नहीं हुआ होगा तो वो जब तक उसको वो पैकेट नहीं मिलता तब तक वो उसके बाद के जो भी पैकेट्स मिलेंगे उसका एक्नॉलेजमेंट डिस्कार्ड करता जाएगा, ठीक है? पर इसमें ऐसा नहीं होगा. इसमें क्या होगा, रिसीवर जो भी उसको सेंडर साइड से पैकेट्स मिलेंगे उसका इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट रिसीवर सेंडर को भेजेगा, ठीक है? सो सेंडर मेंटेन्स टाइमर फॉर ईच अनएक्नॉलेज्ड पैकेट. सेंडर क्या करेगा, उसके पास टाइमर होगा. वो क्या हो करेगा कि जो भी उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिले हैं, जिस पैकेट जो भी पैकेट्स उसने रिसीवर को भेजे हैं पर उसका एक्नॉलेजमेंट उसको अभी नहीं मिला, उसका वो शेड्यूल अपने पास रखेगा, उसका टाइमर उसको मेंटेन करेगा, ठीक है? सो व्हेन टाइमर एक्सपायर्स रिट्रांसमिट्स ओनली दैट अनएक्नॉलेज्ड पैकेट. जब भी वो टाइमिंग उसका ख़त्म हो जाएगा, वेटिंग का टाइमिंग, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो भी पैकेट का उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है वो अनएक्नॉलेज्ड पैकेट रिट्रांसमिट करेगा रिसीवर को. सो अभी सिलेक्टिव रिपीट में क्या होगा कि सिलेक्टिव रिपीट अटेम्प्ट्स टू रिट्रांसमिट ओनली दोज पैकेट्स दैट आर एक्चुअली लॉस्ट ड्यू टू एरर्स. यानी कि सिलेक्टिव रिपीट में क्या होता है कि इसमें सेंडर वही पैकेट सेंड करता है जो एक्चुअली लॉस्ट हुआ है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन टू द रिसीवर, ठीक है? रिसीवर मस्ट बी एबल टू एक्सेप्ट पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर. रिसीवर को अभी क्या होगा कि सिंस रिसीवर मस्ट रिलीज पैकेट्स टू हायर लेयर इन ऑर्डर, द रिसीवर मस्ट बी एबल टू बफर सम पैकेट्स. मीन्स सेंडर रिसीवर को पैकेट सेंड करेगा, अब वो एक्नॉलेजमेंट उसका सेंड करेगा, फिर अगर उसको सेंडर साइड से दूसरा पैकेट नहीं मिला तो वो क्या करेगा, जो भी उसका एक्नॉलेजमेंट है वो बफर करेगा, ठीक है, बफर में स्टोर करेगा. और उसको दूसरा जो पैकेट मिल गया है उसका तो ऑलरेडी वो जो एक्नॉलेजमेंट वो सेंड कर ही देगा, बट उसको जो भी पैकेट आगे वाला नहीं मिला है उसको वो बफर में स्टोर करेगा, और जब उसको वो पैकेट रिसीव होगा उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट उसका सेंडर को सेंड कर देगा. द रिसीवर एक्नॉलेजमेंट्स एवरी गुड पैकेट, पैकेट्स दैट आर नॉट एक्नॉलेज्ड बिफोर अ टाइम आउट आर अज्यूम्ड लॉस्ट और इन एरर. मतलब कि उस वो जो भी पैकेट्स मिले हैं, ठीक है, उसका वो रिकॉर्ड रखता है, पर अगर जो पैकेट उसको नहीं मिले हैं टाइम आउट के पहले, यानी कि टाइमिंग के उसने जो टाइम सेट किया है उसके दौरान उसको पैकेट नहीं मिलते हैं, तो वो क्या मान लेगा कि वो पैकेट लॉस्ट हो गए हैं या उसमें कुछ एरर है. सो दिस अप्रोच मस्ट बी यूज्ड टू बी श्योर दैट एवरी पैकेट इज इवेंचुअली रिसीव्ड. सो एन एक्सप्लिसिट एक्नॉलेजमेंट यानी कि सिलेक्टिव रिजेक्ट कैन रिक्वेस्ट रिट्रांसमिशन ऑफ जस्ट वन पैकेट. यानी वो जो पैकेट लॉस्ट हुआ है उसके लिए ही वो रिक्वेस्ट मिलेगी रिसीवर को, सॉरी सेंडर को, रिसीवर से, और सेंडर वही जो पैकेट लॉस्ट हुआ है उसको ही वापस से सेंड करेगा. सो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे सेंडर के पास सेंडर विंडो में कितने हैं, n इक्वल टू फोर, यानी विंडो साइज़ कितनी है,
चार है, ठीक है, यहाँ पे सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है। अभी क्या होगा, यहाँ पे टोटल पैकेट्स है 0 to 8, ठीक है, 9 पैकेट्स है, उसमें से 4 पैकेट सेंड हो रहा है, 0, 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पे सेंडर ने पहला पैकेट सेंड किया रिसीवर को, उसको पैकेट 0 मिला, उसका उसने एक्नॉलेजमेंट भी भेज दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, एक साथ उसने 4 पैकेट भेजे हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी उसमें से दूसरा पैकेट है वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है। सो अभी क्या करेगा, उसको तीसरा पैकेट तो मिल ही गया है, सो वो क्या करेगा, पैकेट 3 को बफर में स्टोर कर देगा, ठीक है, यानी कि जो भी उसका एक्नॉलेजमेंट है वो बफर में स्टोर करके रखेगा। और यहाँ पे सेंडर क्या करेगा, वो जो भी उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेंगे रिसीवर साइड से उसका, वो टाइमिंग स्टोर करेगा, उसको वो याद रखेगा, ठीक है। सो अभी उसको क्या हुआ, फोर्थ नंबर का पैकेज का वो एक्नॉलेजमेंट 0 भी मिल गया, 1 भी मिल गया। अब क्या करेगा, वो पैकेट 4 एंड 5 सेंड करेगा रिसीवर को, रिसीवर को पैकेट 4 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, वो उस एक्नॉलेजमेंट को वो बफर करेगा, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट 4 को भी बफर करेगा, एक्नॉलेजमेंट 5 को भी बफर करेगा। क्यों क्यों, क्योंकि उसको अभी तक पैकेट 2 नहीं मिला है। सो वो अभी जो भी पैकेट्स उसको मिले हैं, पैकेट 3, 4, 5, वो रिसीव कर देगा और उसके जो भी एक्नॉलेजमेंट है वो स्टोर करके रखेगा। अभी क्या होगा, सेंडर के साइड एक टाइमर सेट होगा, उसके बाद वो क्या करेगा, जो भी अनएक्नॉलेज पैकेट है यानी कि जो भी एक्नॉलेजमेंट उसको नहीं मिला है उसका वो क्या करेगा, टाइमर रखेगा अपने, ठीक है। अभी पैकेट 2 का टाइमर आउट, टाइम आउट हो गया, यानी कि पैकेट 2 उसने कब का सेंड किया है, उसने पर्टिकुलर टाइम सेट किया था कि इस टाइम के मुझे एक्नॉलेजमेंट इसका मिल जाएगा, पर उसको पैकेट टू का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, फिर से पैकेट 2 रिसीवर को सेंड करेगा। उस टाइम पे क्या होगा, उसको रिसीवर 4 और रिसीवर 5 उसके भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो चुके होंगे, ठीक है, रिसीवर साइड से। सो उसका वो टाइमिंग रिकॉर्ड रखेगा अपने पास। अभी जब क्या क्या होगा कि पैकेट 2 फाइनली सेंड हो जाएगा रिसीवर को, अब रिसीवर को पैकेट 2 मिल गया, तो अब उसने अब क्या करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट 2 मीन्स पैकेट 2 का जो एक्नॉलेजमेंट है वो रिसीवर को सेंड कर देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, उसको पैकेट जो बाकी कौन सा है, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, पैकेट 5, वो सभी मिल जाएंगे उसके बाद, ठीक है, क्योंकि उसको पहले से ही उसके जो एक्नॉलेजमेंट वो तो उसको सेंड कर ही दिया है, पर वो सिर्फ वेट कर रहा था कि कब उसको पैकेट 2 मिले। पैकेट 2 मिलने के बाद उसको सारे पैकेट सेंडर साइड से मिल जाएंगे, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4 एंड पैकेट 5। सो जब उसको 2 पैकेट मिलेंगे, एक्नॉलेजमेंट 2 मिलेगा, तब क्या होगा, ये सभी पैकेट्स है वो उसको डिलीवर हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी अबाउट टीसीपी सेगमेंट स्ट्रक्चर। सो इन टीसीपी सेगमेंट स्ट्रक्चर, इट इज़ ऑफ 32 बिट्स, यानी कि यहाँ पे एक सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है। सो दोनों क्या हो गए, ये सोर्स पोर्ट नंबर 16 बिट का होगा और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी 16 बिट का होगा, टोटल 32 बिट्स। अभी यहाँ पे है वो फ्लैग्स है, ठीक है। सो पहला फ्लैग कौन सा है, URG, यानी कि अर्जेंट डेटा, वो जनरली यूज़ नहीं होता है इसमें। दूसरा है एक्नॉलेजमेंट नंबर इज़ वैलिड और नॉट, उसके लिए ये यूज़ होता है, ए वाला। थर्ड वन इज़ PSH, पुश डेटा नाउ, विच इज़ ऑलरेडी विच इज़ जनरली नॉट इन यूज्ड। नाउ लास्ट वाला जो है वो है RST, SYN एंड FIN, मीन्स रीसेट, सिंक्रोनाइज एंड फिनिश, विच आर द कनेक्शन एस्टैब्लिश, विच आर यूज फॉर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, फॉर सेटअप, टीयर डाउन कमांड्स। एंड ये कौन सा है, ये इंटरनेट चेकसम है,
जैसे कि हमने यूडीपी में देखा था, ये चेकसन मेथड के लिए यूज़ होता है। ये जो दो है, इसमें एक है सीक्वेंस नंबर और एक है एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो क्या होता है, काउंटिंग बाय बाइट्स ऑफ डेटा। ये जो है वो क्या, इसमें काउंट होते हैं बाइट्स में, ये सेगमेंट में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो रिसीव विंडो है वो नंबर ऑफ बाइट्स रिसीवर विलिंग टू एक्सेप्ट, यानी कि जो विंडो साइज़ है, ठीक है, जैसे हमने देखा था कि पैकेट्स चार हो तो उसकी विंडो साइज़ कितनी हुई, चार, सेम वैसे ही यहाँ पे विंडो साइज़ होगी। सो द यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन इन टीसीपी इज कॉल्ड सेगमेंट्स। सो इन एप्लीकेशन लेयर टू ट्रांसपोर्ट लेयर वी सेंड डेटा इनटू द सेगमेंट्स। टीसीपी जो एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में हम जो डेटा भेजते हैं वो किस में होते हैं, सेगमेंट्स में होते हैं। सो द यूनिट ऑफ द ट्रांसमिशन इन टीसीपी इज नॉन एज सेगमेंट्स। सो द हेडर इंक्लूड्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, जैसे हमने आगे फिगर में देखा, हेडर में क्या होता है, सोर्स नंबर होता है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है, जो दोनों 16 बिट्स के होते हैं, विच आर यूज फॉर मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग डेटा फ्रॉम टू अपर लेयर एप्लीकेशन। सो द 32-bit सीक्वेंस नंबर फील्ड एंड 32-bit एक्नॉलेजमेंट नंबर फील्ड आर यूज बाई टीसीपी सेंडर एंड रिसीवर इन इम्प्लीमेंटिंग अ रियलेबल डेटा ट्रांसफ़र सर्विस। यानी कि अगर जो भी ट्रांसमिशन है टीसीपी सेंडर एंड टीसीपी रिसीवर है, उसमें रियलेबल डेटा ट्रांसफ़र अगर करना है तो उसमें क्या होगा, 32-bit है वो सीक्वेंस नंबर फील्ड है और 32-bit है वो क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर फील्ड है, वो टीसीपी सेंडर और रिसीविंग जो प्रोसीजर है उसमें यूज़ होता है। सो द सीक्वेंस नंबर फॉर अ सेगमेंट इज़ अ बाइट स्ट्रीम नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट इन द सेगमेंट। जो भी सेगमेंट है उसके अंदर बाइट स्ट्रीम नंबर क्या होता है, जो भी सेगमेंट का फर्स्ट बाइट होता है उसका नंबर होता है। द एक्नॉलेजमेंट नंबर इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट बाइट अ होस्ट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अनदर होस्ट। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है कि वो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर सीक्वेंस नंबर के साथ होता है कि जो रिसीवर को सेंडर को रिसीवर से सेंडर को मिलता है। जैसे हमने आगे देखा कि एक्नॉलेजमेंट यूज़ होता है कि अगर पैकेट सेंड हो गया है तो उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीवर सेंडर को सेंड करता है, सेम वैसे ही। सो द 4-bit हेडर लेंथ फील्ड स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ द टीसीपी हेडर इन 32-bit वर्ड्स। द टीसीपी हेडर कैन बी ऑफ वेरिएबल लेंथ ड्यू टू टीसीपी ऑप्शंस फील्ड। द 16-bit रिसीव विंडो फील्ड इज यूज फॉर फ्लो कंट्रोल। जो भी विंडो फील्ड है वो 16-bit की होती है, ठीक है, वो कहाँ पे यूज़ होती है, फ्लो कंट्रोल में यूज़ होती है। सो ये क्या करता है, ये नंबर ऑफ बाइट्स इंडिकेट करता है, जो भी रिसीवर के साइड बाइट्स रिसीव होगी उसका जो है उसके नंबर ऑफ बाइट्स दैट अ रिसीवर इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट। द 16-bit चेकसम फील्ड इज़ यूज फॉर एरर चेकिंग ऑफ द हेडर एंड डेटा। चेकसम मेथड हमने आगे यूज़ की थी, वो किसके लिए यूज़ की थी कि वो क्या करता है, एरर चेक करता है, अगर बिट्स के अंदर कोई एरर डिटेक्ट होती है उसके लिए चेकसम मेथड यूज़ होती है। सो अनयूज्ड जो 6 bits बाकी है, ठीक है, जो यूज़ नहीं हुई, सो अनयूज्ड 6 bits आर रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर यूज़ एंड शुड बी सेंड टू बी 0। सो हियर अर्जेंट पॉइंटर इज यूज्ड इन कंबाइनिंग विथ द अर्जेंट कंट्रोल बिट URG कंट्रोल बिट फॉर अ प्रायोरिटी डेटा ट्रांसफ़र। This field contains the sequence number of the last byte of urgent data. So, data field कहाँ पे use होता है? The bytes, ये indicate करता है the bytes of data being sent in the segment. यानी कि segment में जो data है वो कितनी bytes में जाने वाला है, ठीक है, उसका जो भी value है वो contain करता है data. अर्जेंट URG विच इज़ ऑफ 1-bit, इट इंडिकेट्स द अर्जेंट पॉइंटर फील्ड इज़ सिग्निफिकेंट।
एसी के एक्नोलेजमेंट विच इज़ ऑफ वन बीट. सो इट इंडिकेट्स दैट एक्नोलेजमेंट फील्ड इज सिग्निफिकेंट. पी एस एच वन बीट विच इज पुश फंक्शन विच आस्क टू पुश द बफर्ड डेटा टू द रिसीविंग एप्लीकेशन विच इज ऑफ वन बीट. नेक्स्ट इज आर एस टी वन बीट विच इज यूज फॉर रीसेट द कनेक्शन विच इज ऑफ वन बीट. एस वाई एन वन बीट सिंक्रोनाइज सिक्वेंस नंबर्स. सो ओनली द फर्स्ट पैकेट सेंट फ्रॉम ईच एंड शुड हैव दिस फ्लैग सेट. सो सम अदर फ्लैग्स एंड फील्ड्स चेंज मीनिंग बेस्ड ऑन दिस फ्लैग एंड सम आर ओनली वैलिड फॉर वैन इट इज सेट एंड अदर्स वैन इट इज क्लियर. सो इट इज़ अ सिंक्रोनाइजेशन सिक्वेंस नंबर्स विच इज ऑफ वन बीट. ठीक है. एंड लास्ट वन इज एफ आई एन विच इज ऑफ वन बीट. दैट मीन्स नो मोर डेटा फ्रॉम सेंडर देन इट इज देन इट मीन्स ये प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुकी है. अभी कोई डेटा सेंडर साइड से नहीं है. सो ये टीसीपी सेगमेंट है इट इज़ यूज्ड फॉर द डेटा ट्रांसफरिंग फ्रॉम अपर लेयर टू डाउन लेयर. जो टीसीपी सेगमेंट है वो किसके लिए यूज़ होता है, जो डेटा है वो अपर लेयर से नीचे के लेयर में ट्रांसफ़र हो इसके लिए. सो देर आर द फील्ड वैल्यूज विच आर यूजफुल इन दिस. ये जो भी फील्ड वैल्यूज़ है वो किस में यूज़ होती है, रियलेबल डेटा ट्रांसफ़र में, फ्लो कंट्रोल के लिए एंड अदर सिंक्रोनाइजिंग ट्रांसमिशन, दूसरे सिंक्रोनाइजिंग ट्रांसमिशन के लिए. थैंक यू.